Hey everyone, this side Ayush here. Hope you all are doing well. So today in this video, we are going to see the complete review of Dr. B.C. Roy Engineering College, Durgapur. So let's start with the topic of discussion. तो पहले हम डिस्कस करेंगे कॉलेज के ओवरव्यू और एक्रेडिटेशन के बारे में, फिर देखेंगे कॉलेज क्या क्या कोर्सेस ऑफर कर रही है और कितना सीट्स है उसमें, फिर फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, फी स्ट्रक्चर एंड स्कॉलरशिप, फाइनली प्लेसमेंट्स। तो चलो वन बाय वन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉलेज की ओवरव्यू। तो कॉलेज एस्टेब्लिश हुई थी ईयर 2000 में। ये मगआउट से एफिलिएटेड है और AICTE से अप्रूव्ड है। तो अब मुझे पता नहीं तुम लोगों को कॉलेज के CGPA के बारे में पता है कि नहीं। कॉलेज को भी CGPA प्रोवाइड की जाती है। तो NAC एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो हर एक कॉलेज के ग्रोथ और ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसे CGPA प्रोवाइड करती है। बीसी रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज को 2.72 CGPA मिला था और ये NBA से भी एक्रेडिटेड है। ये सारे एक्रेडिटेशंस तुम्हें हेल्प करेंगे बहुत सारे फाइनेंशियल बॉडी से लोन अवेल करने में, ताकि तुम अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर सको। सो इन द मीन टाइम आई वांट टू टेल यू हाउ कुड यू रीच द कॉलेज। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है दुर्गापुर रेलवे स्टेशन, जो कि 9 किलोमीटर है कॉलेज से, और नियरेस्ट एयरपोर्ट है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो 171 किलोमीटर है कॉलेज से। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो 80% सीट्स WBJEE क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के थ्रू फिल की जाती है, 10% सीट्स JEE मेन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए होती है, और बाकी के 10% सीट्स में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन होती है। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। यहाँ पे कोर्सेस क्या क्या ऑफर कर रही है कॉलेज और कितने सीट्स है उसमें वो देखेंगे। तो अवेलेबल कोर्सेस में है बीटेक इन CSE, CSE AIML, IT, EC, EE मैकेनिकल एंड सिविल। कॉलेज MBA, MC और MTech प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करती है। और सीट्स की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 120 सीट्स इच हैं। मैकेनिकल, सिविल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 60 सीट्स हैं। CSE AIML में 30 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डेटा साइंस में 60 सीट्स हैं। अब देखते हैं फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कॉलेज में काफ़ी फैसिलिटीज़ है, लाइक वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज है, 250 प्लस फैकल्टीज है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, कैंटीन है, ATM फैसिलिटीज़ है और सेपरेट जिम्स है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे तुम कुछ पिक्चर्स देख सकते हो कॉलेज के वेबसाइट पे, तुम्हें मिल जाएगा। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। तो तुम्हें कितना रैंक लाना है ताकि तुम इस कॉलेज में किसी पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन ले सको। देखो CSE के लिए लास्ट ईयर अगर तुम TFW कैटेगरी से हो तो लास्ट ईयर इसका ओपनिंग रैंक था 4747 और क्लोजिंग रैंक था 14031। तो यही समझ लो तुम अप्रोक्स 12-13,000 के अप्रोक्स तुम्हारा अगर रैंक रहेगा तो, और TFW कैटेगरी से हो तो तुम्हें इस कॉलेज में CSE ब्रांच मिल जाएगा। और अगर तुम JEE से इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो CSE में, तो ओपनिंग रैंक लास्ट ईयर था इसका 50,736 और क्लोजिंग रैंक था 1,56,143। तो तुम्हें अप्रॉक्स 1,50,000 के अप्रॉक्स रैंक लाना होगा JEE मेन में, ताकि तुम्हें इस कॉलेज में CSE ब्रांच मिल सके। तब देखो IIT ब्रांच में TFW कैटेगरी में लास्ट ईयर 11,644 ओपनिंग रैंक था और क्लोजिंग रैंक था 17,675। तो अब अगर तुम TFW कैटेगरी से नहीं और वेस्ट बंगाल से WBJEE दे रहे हो, लास्ट ईयर इसका ओपनिंग रैंक था IIT में 15,201 और क्लोजिंग रैंक था 49,826। सिमिलरली JEE के लिए लास्ट ईयर 1,33,000 के अप्रॉक्स ओपनिंग रैंक था और क्लोजिंग रैंक 2,32,000 के अप्रॉक्स था। अब ECE की बात करें तो TFW कैटेगरी में लास्ट ईयर 20,429 था और 42,209 क्लोजिंग रैंक था। और अगर तुम्हें JEE से एडमिशन लेना है इस कॉलेज में ECE ब्रांच में, तो 78,798 ओपनिंग रैंक था लास्ट ईयर और 6,95,000 अप्रॉक्स 7 लाख था क्लोजिंग रैंक। EE की बात करें तो TFW कैटेगरी में 18,594 ओपनिंग रैंक था और 41,544 क्लोजिंग रैंक था। अब अगर EE में ओपन कैटेगरी की बात करें WBJEE के थ्रू, तो 12,381 ओपनिंग रैंक था और क्लोजिंग रैंक 95,321 था, और JEE से 2,94,410 ओपनिंग रैंक था और 10 लाख के अप्रॉक्स क्लोजिंग रैंक था। वैसे तो मैकेनिकल और सिविल के भी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देख सकते हो। अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर ब्रांच या किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जानना है तो तुम कमेंट करना, वहाँ पे हम लोग उसे एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलो अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फी स्ट्रक्चर क्या है कॉलेज का और क्या क्या स्कॉलरशिप्स तुम्हें मिल सकता है। तो अगर तुम हॉस्टल नहीं लेना चाहते, बाहर मेस में रहोगे, तो CSE IIT और ECE ब्रांच का अप्रॉक्स 6 लाख फीस है और EE मैकेनिकल और सिविल का 5.5 लाख है। अगर हॉस्टल ले रहे हो तो CSE IIT और ECE का अप्रॉक्स 9 लाख है कोर्स फी और EE मैकेनिकल और सिविल का 8.5 लाख। अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो SBMCM, नवन्ना स्कॉलरशिप, OSS, TFW, IKEA श्री तुम लोग अवेल कर सकते हो। और इसके लिए डिटेल वीडियो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या तुम्हें फुलफिल करना होगा वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा और ये तुम वीडियो देख सकते हो। तो चलो फाइनली प्लेसमेंट्स की बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट ईयर यानी 2023 की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज 13.50 LPA था, एवरेज पैकेज 4 LPA और 85% के अप्रॉक्स स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे। Thank you all for watching this video. If you have watched this video till now and have got some help, do
you like this video, your one like will motivate us to make more of such Avisham content. Do share this video with your school friends, that may help them to know about this college. And subscribe this channel for more such upcoming stuffs.